तो गाइस ये देखिए बिल्कुल सामने है हमारे टनल, अटल टनल ये सामने है और ये हम फ्लाइट अपना ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे टनल में, BRO क्रिएट कनेक्शन। तो ये टनल BRO के द्वारा बनाई गई है। तो अब हम अटल टनल में अभी जाएंगे और उसके बाद टनल निकलते ही मनाली 33 किलोमीटर रह जाता है, तो काफ़ी डिस्टेंस कवर हो जाता है और एक समय की बचत, एक आपके पेट्रोल की और बहुत ही चीज़ों की बचत होती है। तो ये है अटल टनल सामने, तो लोग सिर्फ अटल टनल को ही देखने आ रहे हैं। तो गाइस मेरे सामने है ये ब्रिज जिसको क्रॉस करके जाना है अटल टनल को। अगर हम लेफ्ट पे चले जाते हैं तो हम चले जाएंगे रोहतांग पास और सबसे पहले कोकसर आएगा, उसके बाद ग्रैम्पू जहाँ से स्पीति के लिए रास्ता निकलता है। तो हमने रोहतांग पास वाला रास्ता छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं अटल टनल में फर्स्ट टाइम, क्योंकि 3 तारीख को ही अटल टनल खुली है। आज तारीख है 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर को हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल में। और ये देखिए फर्स्ट लुक देखिए अटल टनल की, बहुत ही ब्यूटीफुल अटल टनल है। और ये वन वे नहीं है, टू वे है, मतलब कि आमने सामने से दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है, तो आने का भी यही रास्ता है, जाने का भी यही रास्ता है। तो काफ़ी शानदार अटल टनल है और वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है 10,000 फीट पे। वैसे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है नॉर्वे में, जिसकी लंबाई है 24.5 किलोमीटर और हमारी अटल टनल की लंबाई है 9 किलोमीटर। लेकिन ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल इसलिए बन जाती है क्योंकि ये 10,000 फीट हाइट पे बनाई गई है। तो गाइस इसमें बता देता हूँ कि अगर आप स्पीति जाना चाहते हैं और अगर एक्स्ट्रा फ्यूल लेना है मनाली से, जैसे हर सब राइडर एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाते हैं, तो इस टनल में कोई भी फ्लेमेबल जो भी सब्सटेंस है वो आप कैरी नहीं कर सकते, तो एक्स्ट्रा फ्यूल लेके आप इस टनल में से नहीं जा सकते, तो आपको रोहतांग से ही जाना पड़ेगा। रोहतांग होते हुए स्पीति जो ग्रैम्पू जगह है वहाँ से कट निकलता है स्पीति को, तो उसी साइड से आपको जाना पड़ेगा। और मैं बता दूँ अगर डिस्टेंस, अगर हम सिसु से आते हैं और नॉर्थ पोर्टल जहाँ से मैंने एंट्री करी है वो है नॉर्थ पोर्टल, जहाँ से मैं निकलूँगा वो है साउथ पोर्टल, तो नॉर्थ पोर्टल से मनाली का जो डिस्टेंस है वो है 33 किलोमीटर और जो गूगल समय बता रहा है वो लगभग 1 आवर। अगर मैं रोहतांग वाले रास्ते से जाता हूँ, जैसे कि मैं लेफ़्ट अगर चला जाता तो वो जो डिस्टेंस है वो है 79 किलोमीटर और समय जो गूगल बता रहा है 2 आवर एंड 45 मिनट्स, तो हमारा 2 आवर सेव होते हैं, आपके पैसे बचते हैं, डिस्टेंस समय बचता है, तो बहुत कुछ मतलब की सेविंग होती है। और वो रोड भी है थोड़ी डेंजरस रोड है, वहाँ पे बहुत वाटरफॉल्स हैं और पत्थर भी बहुत है, कई बार तो बिल्कुल कई घंटे जाम लग जाता है। तो समय की तो बचत है ही है, साथ में आपके पैसे की भी बचत है। तो थोड़ी को दूर जाके यहाँ पे स्पीड 60 हो जाती है, शुरू में 40 है और बाद में 60 हो जाती है और हर 500 मीटर पे एग्जिट बनाया गया है ताकि लोग कोई दिक्कत हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए तो लोग निकल सकें इमरजेंसी में। तो अभी हम स्पीड 60 की मेंटेन करके रखे हुए हैं और न्यूज़ में आ गया था कि अंदर जो स्पीड कैमरे लगा रखे हैं आपकी स्पीड को नापेंगे और आपको ऑनलाइन चालान भेजेंगे या तुरंत चालान करेंगे। With money, we don't know.
गाइस फिर स्पीड 40 की हो गई है। जब आप एंटर करते हैं तब 40 की है, बीच में 60 की हो जाती है, और जब आप बाहर निकलने के वाले होते हैं तब वो स्पीड फिर 40 की हो जाती है। तो मेरे सामने एग्जिट आने वाला है और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल जो रोहतांग का रास्ता को बहुत कम कर देती है। आपको रोहतांग जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हम मुड़े थे ब्रिज के लिए, तो अगर आप सीधे चले जाते हैं, मुड़ते नहीं हैं, तो आप रोहतांग को चले जाते हैं। और ये देखिए, एकदम अंधेरा आ गया। थैंक यू विजिट अगेन। I walk to you so I can be close to you। तो ये गाइस टनल से बिल्कुल नया रास्ता निकला हुआ है, अभी मनाली के दूसरे रूट से मिला नहीं है जो ऊपर रोहतांग से आता है। तो अभी बिल्कुल अटल टनल के लिए बिल्कुल अलग ही रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पे ब्रिजेस बने हुए हैं और बिल्कुल ब्रांड न्यू रोड बनी हुई है। तो काफ़ी समय और पैसे की बचत होती है अगर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में लागू हो जाए। तो मनाली से पेट्रोल ले सकते हैं, आगे टाटी से ले सकते हैं। तो अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं, लेकिन स्पीति जा रहे हैं, तो स्पीति के लिए आपको फिर रोहतांग वाला ही रास्ता लेना पड़ेगा, क्योंकि टनल में आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ आप नहीं ले जा सकते, तो आपको रोहतांग वाला ही रास्ता लेना पड़ेगा। तो गाइस आज मैं बता दूँ, आज हमारी राइड का डे 5 है। हम 3 अक्टूबर को चले थे दिल्ली से, तो हमने सच पास किया, हमने शिंगला पास किया, फिर आज स्टे करेंगे मनाली को, और कल हम जाएंगे तीथंग वैली और जिलोरी पास। तो हमारे ये दो डेस्टिनेशन है हमारे बकेट लिस्ट में, तो वो काम करेंगे कल। तो अंधेरा हो चुका है, तो 6 से कुछ ज़्यादा समय हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं और पूरा अंधेरा हो चुका है बाहर। और अब हम आज का नाइट का जो स्टे है हमारा मनाली का होगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई मेरा नया व्यूअर्स है जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है, तो गाइस यार भाई अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, प्रमोट करो और आप सब्सक्राइब करो। तो गाइस अगर कुछ भी आपको क्वारी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वारी का रिप्लाई करूंगा। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये नीचे हैंडल आ रहा होगा ft_adventure_india। गाइस एट लास्ट राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।